नमस्कार दोस्तों, मैं रवि गुप्ता, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियर। आप लोगों का स्वागत करता हूँ मेरे चैनल कोसी इलेक्ट्रॉनिक्स में। आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ एक नया सेशन। इस सेशन में आपको बताने वाला हूँ कि न्यून प्ले। बहुत दिनों से मेरे बहुत सारे लोगों ने मुझसे बोला, सर न्यून प्ले के बारे में बताइए, न्यून प्ले सॉफ्टवेयर के बारे में, मतलब कैसे इफेक्ट बनाएं। तो आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेकर के आया हूँ। आपको यहाँ पे ये सॉफ्टवेयर मिल जाएगा, ठीक है। सॉफ्टवेयर के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं उसके लिए थोड़े चार्ज लूँगा, क्योंकि मुझे भी आगे नया नया प्रोडक्ट डेवलपमेंट, रिसर्च डेवलपमेंट में थोड़े खर्चे होते हैं, ठीक है। अगर जिन लोगों के पास सॉफ्टवेयर है बहुत अच्छी बात है, वो सीख लीजिए। बहुत लोग कहते हैं कि मेरे पास न्यून प्ले है, लेकिन इसमें जो है मतलब कुछ लिखा हुआ नहीं है, क्वेश्चन मार्क आता है तो मुझे समझ में नहीं आता है। तो मैं आप लोगों को आज बहुत ईजी वे में बताऊँगा। अगर हो सके तो आप प्लीज़ कॉपी और पेन लेकर के नोट करें, क्योंकि मैं बहुत दिन से इस पर काम कर रहा था तो मुझे तो याद हो गया। आप एक बार नोट कर लेंगे कि कहाँ पे क्या है, और बहुत सिंपल है, एकदम इजी। कोई भी मतलब आप एलईडी गेट का एनिमेशन बना सकते हैं, चक्री बना सकते हैं, उसके बाद आप जो है सीलिंग का इफेक्ट बना सकते हैं, कुछ भी। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। तो यहाँ पे जैसे आपने देखा था कि ये खुला, उसके बाद इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे बनता है इफेक्ट, और यहाँ पे आपका मैनुअल डिजाइन बनता है कि ये जैसे बिल्डिंग बनाए वो कैसा दिखेगा, इस टाइप का, उसमें कैसा पिक्सल लगाएंगे, इस टाइप का। तो इसके बारे में तो अभी हम बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इसका हम लोगों को ज़रूरी नहीं होता है, ठीक है। इसमें पूरा इफेक्ट डिजाइन या गेट उट जो भी आप बना रहे हैं वो सब बना के इसमें इफेक्ट रन करा करके लाइव देख सकते हैं कैसा चलेगा, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं इफेक्ट बनाने की ओर। इफेक्ट बनाने के लिए क्या करेंगे, कोई भी आप सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं, सबसे पहले आप क्या करते हैं, न्यू प्रोजेक्ट सेलेक्ट करते हैं। तो टॉप लेफ्ट कॉर्नर में सेलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे जो है हम टॉप लेफ्ट या एफ जो लिखा हुआ है इस पर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद क्या करते हैं, न्यू प्रोजेक्ट सेलेक्ट करते हैं, न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको मैट्रिक्स बनाना है, तो मैट्रिक्स में क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो मान के चलिए हम जो है आपको मैट्रिक्स बनाए हैं 16 बाई 32 का बनाते हैं, 16 32 का क्लिक करते हैं, ठीक है। ये आपका मैट्रिक्स हो गया। तो चलिए मैं कुछ आप लोगों को दिखाता हूँ कि मैं एक डिज़ाइन बना करके रखा है मैंने, तो आप लोगों को दिखाते हैं कैसा लगता है, ठीक है। ये रहा एलईडी एडिट, ये मैं 16 बाई 64 का एक गेट के लिए डिज़ाइन बनाया था मैंने। तो चलिए इसका इफेक्ट देखते हैं कैसा होता है। पेन टूल फाइल मैंने डेस्कटॉप पे इसको सेव करके रखा है, तो 16 बाई 64 टूल फाइल देखिए इस टाइप का इफेक्ट बना से क्रिस्टल क्लियर आपको मतलब इमेज दिखेगा, और कहीं से कोई ब्लरिंग नहीं। तो ये 16 बाई 64 के लिए इसको थोड़ा हम फास्ट कर लेते हैं कि जल्दी जल्दी आपको दिखे। आप बहुत सारा ऐसे ही इफेक्ट बना सकते हैं, कलर भी भरने वाला इफेक्ट बना सकते हैं। देखिए मैंने कलर भर के इफेक्ट बनाया है, चलो इसको फास्ट करते हैं फिर। आप देख सकते हैं इस टाइप का इफेक्ट आप बना सकते हैं। तो चलिए सॉफ्टवेयर की ओर देखते हैं ये बनाते कैसे इफेक्ट। तो ये रहा मेरा न्यून प्ले, ठीक है। यहाँ पे आके हम लोग इस सेक्शन में, सबसे पहले आपको क्या करना है, फाइल में जाके न्यू प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना है। न्यू प्रोजेक्ट पे जाके जो भी आपको मैट्रिक्स बनानी है, 16 बाई 64 बनाना है या 16 बाई 32 बनाना है, तो फिलहाल मैं 16 बाई 32 सेलेक्ट कर लिया हूँ, और ये सबको एज इट इज छोड़ देंगे, इससे कोई लेना देना। ये आपका ओके वाला बटन है, ये सी यहाँ कैंसिल वाला बटन है, ठीक है। ओके कर लेते हैं। यहाँ पे आपको कलर भरने में प्रॉब्लम आएगा तो आप क्या करेंगे, इसको जूम, जूम करने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ 100%, इसको 200% कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, अब मान के चलिए आपको बैकग्राउंड में कलर डालना है, ये क्यू है, क्यू के बगल में जो भी बटन है उसे बैकग्राउंड कलर डालते हैं। तो ये रेड है, तो यहाँ पे अभी इसको कलर चेंज कर सकते हैं, मान के चलिए मुझे बैकग्राउंड ये रखना है, चलिए इसको कर देते हैं। तो आप देख लीजिए कि ये मेरा बैकग्राउंड कलर आ गया है। उसके बाद इसके बगल में तीन चीज़ मिलता है आपको, ठीक है। पहले हम बैकग्राउंड कलर तो सेट कर दिए, अब जो है मुझे पेंसिल से कुछ ड्रॉ करना है, तो पहले कलर सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। रेड कलर सेलेक्ट किया मैंने, तो ये देखिए ये आपका डॉट वाला है, मतलब पेंसिल वाला। आप एक एक करके डॉट हाँ बना सकते हैं, ठीक है। और मान के चलिए यहाँ पे इधर उधर हो गया, तो आप क्या करेंगे, यहाँ अंडू करने वाला है, ठीक है। अंडू हो गया, ये डिलीट हो गया, ठीक है। पूरा का पूरा फ्रेम डिलीट करना है, तो यहाँ से डिलीट हो जाएगा, पूरा फ्रेम गया,
ठीक है, फिर से मैं एक बार कलर, बैकग्राउंड कलर देखिए, अभी मैंने रेड सेलेक्ट करके रखा था तो रेड हो गया, तो मुझे तो रेड करना नहीं है, मुझे करना था ये कलर। चलिए कर देते हैं इसको, ठीक है, ये हो गया आपका। उसके बाद फिर से हम पेंसिल चूज कर लिए हैं, यहाँ पे आ गए हैं, ये पेंसिल है, ये लाइन है, एक हॉरिजेंटल लाइन है, एक वर्टिकल लाइन है। तो देखिए हम लोग देखते हैं, चलिए क्या होता है इसमें। ये लाइन को, इसको सेलेक्ट किया तो आपका देखिए एक लाइन बनेगा। देखिए कलर मेरा सेम है इसलिए लाइन नहीं बन रहा है, क्योंकि सेम कलर पे लाइन बनेगा भी तो पता नहीं चलेगा। कलर चेंज किया मैंने, ये देखिए ये हॉरिजेंटल लाइन बना, ये भी लाइन बना, ये लाइन बना, ठीक है। इसके ऊपर हम लोग एक वर्टिकल लाइन बनाएंगे, बगल वाले को सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे आपको एक वर्टिकल लाइन बनता है, ठीक है, वर्टिकल, ये वर्टिकल, ये वर्टिकल। तो इस टाइप से हम डिफरेंट टाइप का डिजाइन बना सकते हैं। अब इसको चलाना कैसे है, तो ये डिजाइन बना लिए हम, अब इसको आपको कलर भरना है तो आप दूसरा कलर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद ये जो है, ये पैनल पूरा ये इफेक्ट का है, देखिए इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपको ये मिलेगा, फिर ये मिलेगा, मतलब ठीक है। तो यहाँ पे जो है ADWS, इसका मतलब क्या है, आप यहाँ पे कीजिएगा तो लेफ्ट राइट होगा, लेकिन लेकिन यहाँ पे जो है आपका ये आगे जाके ख़त्म होने वाला है, ठीक है। तो इसको रोटेट करते रहने के लिए, मतलब ये जो है पूरा, ये जो भी मैट्रिक्स बना हुआ सेम रोटेट करते रहें, उसके लिए क्या करेंगे हम, तो पहले तो इसको हम लोग डिलीट कर देते हैं फ्रेम बाय फ्रेम। देख रहे हैं यहाँ से वहाँ पे अपनी जगह पे ले आते हैं जहाँ से स्टार्ट किए थे हम, तो यहाँ पे ले आए हैं। इसको करते हैं रोटेट वाला, ये मतलब उसको लूप में मूव करते रहेगा, लूप में मूव करते रहेगा। उसके बाद आते हैं क्लिक करते हैं, ठीक है। आप देख रहे हैं कि ये वाला लाइन फिर से स्टार्ट हो गया है, इससे पहले वाले में वो ख़त्म हो रहा था। तो ये जो ADWS जो है ना, आप यहाँ पे ये उंगली से कितना प्रेस कीजिएगा, हर एक बार प्रेस करना पड़ेगा। आप कीबोर्ड का बटन लीजिए, ये प्रेस कीजिए, देखिए मैं कीबोर्ड का बटन प्रेस कर रहा हूँ ये, ठीक है, ये रोटेट हो रहा है, ये राइट हो रहा है, ठीक है। तो उसके बाद इसको पोजीशन पे ले आए हैं, ऊपर ले जा रहे हैं, W से ऊपर जा रहा है, ये W ऊपर है ना, तो कीबोर्ड में W से ऊपर जाएगा, S से फिर आपका नीचे आएगा। इस तरह से आप इफेक्ट बना सकते हैं। उसके बाद क्या करना है, बस कुछ नहीं करना है। उसके बाद आपको इसको क्या कर देना है, आप हर जगह देखते होंगे कि यहाँ पे ये जो ऐसा बटन रहता है ये सेव का होता है, सेव, आपको देख के ही लगेगा कि ये भाई फाइल में सेव करने वाला कुछ है। और ये जो है, ये जो पीला कलर का एरो लगा, मतलब ये ओपन करने वाला जो पहले से इफेक्ट बनाए हैं, तो इसको हम लोग कर लेते हैं सेव। तो यहाँ पे जैसे मैं डेस्कटॉप पे रख लेता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे डेस्कटॉप पे क्या 16x64 का मैंने मैट्रिक्स बनाया, तो 16x64, तो 16x64 ये हो गया। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको 16x64 का एक मैट्रिक्स मिल गया है। नहीं, 16x32 बनाया था ना मैंने, 16x64 कैसे लिख दिया, फिर से कर लेते हैं सेव। 16x32, आप यहाँ पे ना फ्रेम को मतलब अपने अकॉर्डिंग कट भी कर सकते हैं, मतलब कस्टमाइज कर सकते हैं। मान के चलिए कोई फ्रेम आपका गड़बड़ हो गया है, बताते हैं उसको कैसे करते हैं। पहले आ जाते हैं यहाँ पे, ओरिजेंटल मेरा कितना था, ओरिजेंटल मेरा कितना था, तो इसके बाद मैंने अभी टूल इफेक्ट बनाया था 16x32 के लिए, देखते हैं। ये रहा आपका 16x32 का टूल, तो आपको कुछ इस टाइप का लग रहा है। तो ये इफेक्ट मेरा रेडी हो गया। तो इस तरह से आप इफेक्ट, डिफरेंट टाइप का इफेक्ट बना सकते हैं। तो और भी देखते हैं क्या क्या इसमें फीचर्स हैं सॉफ्टवेयर में। अब इसको जो है हम लोग क्या करते हैं, एक नया फिर से, ये आपका जैसे यहाँ पे मान के चलिए आपको कुछ गड़बड़ हो गया है, ठीक है, तो ये वाला आप इसको कट कर सकते हैं, एक ही फ्रेम कटेगा 200, ये 5 नंबर फ्रेम कट करना है, यहाँ से यहाँ तक का फ्रेम कट करना है, ये कट हो गया 14 नंबर, जिसको कट करना है वो कट हो जाएगा यहाँ से। जैसे आपको एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं, सपोज दैट कि यहाँ पे मैंने एक कलर कलर भरा, ठीक है, तो ये कलर हो गया, इस पर हम कुछ बना लेते हैं, कुछ भी एनिमेशन,
अब इसको प्ले करेंगे तो ये लास्ट में एक बार जरूर चलेगा। और मान के चलिए कि आपको इसको नहीं रखना है, या इसके बाद वाला एक चला था ना लास्ट में, इसको नहीं रखना है, तो जिसको नहीं रखना है उसके पास ले जाइए, इसको यहाँ से कर दीजिए डिलीट। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तो ये आपका आ गया है। अब फिर से एक नया बना लेते हैं, फाइल न्यू 16x32 इस टाइप का कुछ, बैकग्राउंड कुछ कलर ले लेते हैं, ले लिए। उसके बाद ये ले लेते हैं, ये ले लेते हैं, मान के चलिए आपका 4 पिक्सल के बाद है, 1 2 3 4 इस टाइप से कुछ ले लिए। उसके बाद ये हॉरिजेंटल लाइन था, वर्टिकल लाइन था, अब एक हॉरिजेंटल लाइन ले लेते हैं। ये वाइट कलर मैंने सेलेक्ट कर लिया है, ये ले लिया। अब दूसरा इफेक्ट में जाते हैं। दूसरा इफेक्ट में क्या है, अब इसमें जो है ये राउंड वाला पे क्लिक कर दिए, रोटेट करते रहेगा, ये राउंड वाला मेरा नहीं था, तो बैक होके जाते हैं एक बार फिर से वहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट, यहाँ से ये रोटेट वाला। अब देखिए ये आपका ये रोटेट कर रहा है, ये W से ऐसा हो रहा है, S आगे पीछे दाएं बाएं, सबको कर लेते हैं डिलीट। या तो आप एक एक फ्रेम को डिलीट कर सकते हैं, या एक एक करके कर सकते हैं। मान के चलिए ये 2 कलर कर दिया आधा आधा पार्ट में, और यहाँ पे एक बना लेते हैं इफेक्ट। ये तो लाइन मैंने सेलेक्ट किया था, तो यहाँ पे आके पेंसिल सेलेक्ट कर लेते हैं। ये पेंसिल है, एक हॉरिजेंटल लाइन है, एक वर्टिकल लाइन है। आप बहुत 2-4 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, बहुत सिंपल है, हो जाएगा आराम से। अब इसको करना है, पहले वाले काम को अंडू करना है, मतलब पहले वाला डिलीट हो जाएगा। एक नया बना रहे हैं, बना करके इसलिए दिखा रहे हैं कि आप लोगों को समझने में इजी हो, आप लोग भी इजी से कोई भी इफेक्ट बना सकते हैं। चाहे आपको गेट बनाना हो, 16x32 16x64 16x112 जो भी बनाना हो, आप इसके थ्रू बना सकते हैं। थोड़ा सा तो मेहनत करना पड़ेगा स्टार्टिंग में सीखने के लिए, लेकिन एक बार आप सीख जाइएगा तो आपको इसमें भी बहुत सारा इफेक्ट मिलेगा, बहुत सारे डिजाइन से आप बना सकते हैं। ये ले लिया मैंने, उसके बाद यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे फिर मैंने गड़बड़ किया, एक एक डॉट बढ़ना रहता है। तो इसके लिए ना जूम करके रखिएगा आप, देख मैंने 200 पे एक रखा है, तो इससे क्या होता है, देखने में इजी होता है, काम करना भी इजी होता है। इसमें जो एक लाइन वाला होता है, जैसे हम लोग और सब सॉफ्टवेयर में क्रॉस वाला लाइन करते हैं, वो वाला अवेलेबल नहीं है। इसमें आप हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइन ऑटोमेटिक ड्रॉ कर सकते हैं, बस एक पे क्लिक कीजिएगा, पूरा हॉरिजेंटल पूरा वर्टिकल लाइन आपको ड्रॉ हो जाएगा। इस तरह से टाइम तो लग रहा है, लेकिन आप लोगों को भी दिखाना है कि हाँ ये इसे इफेक्ट बनाना कितना इजी है। बस एक बार डिजाइन बन गया, एक डिजाइन, तो उसी को रोटेट करते रहना है, वही घूमते रहेगा, उसी को अलग अलग एंगल से अलग अलग फंक्शन में डाल करके रोटेट करना है। और बहुत ही सिंपल है इसे इफेक्ट बनाना, और आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगा, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर ना लाइसेंस मांगेगा ना कुछ, मजे से आप चलाते रहो लाइफ टाइम तक। ये होने वाला है, अब थोड़ा सा और बचा हुआ है, तो मैं इस वीडियो को आगे ये प्रॉब्लम आपको भी आ सकता है, इसलिए एक एक करके डॉट भरें। ये अंडू का बटन दबाने से मतलब एक्स्ट्रा वाला जो है वो डिलीट हो जाएगा। और दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर दें, ठीक है। तो ये मेरा इफेक्ट बन गया, अब चलिए इसको चलाते हैं कुछ कैसा लगता है। अब ए वाला बटन प्रेस कर रहे हैं, आपको जितना देर चलाना है चलाइए, ठीक है। फिर W वाला, फिर S वाला,
ये वाला, इसको सेंटर में ले आइए। अब देखिए मैंने क्या किया कि इसको अपनी जगह पे नहीं लाया और दूसरा डिजाइन चला दिया, तो ये जो मैं डिजाइन बनाया था वो डिजाइन आ ही नहीं रहा है। तो उस डिजाइन को लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जहाँ से स्टार्ट किया था ये वाला था कुछ, तो इसको एक फ्रेम आगे ले जाते हैं। हाँ ये वाला आया। अब यहाँ से मान के चलिए हम दूसरा डिजाइन सेलेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे आपको ये वाला, ठीक है, ये वाला डिजाइन है। आगे पीछे लेफ्ट राइट, तो इसको अपनी जगह पे पहुंचा दीजिए पहले। इसके बाद आपको और भी डिजाइन मिल जाता है। कुछ कुछ डिजाइन जो है ऊपर का, दो डिजाइन जैसे इसमें लेफ्ट राइट होगा, और नीचे का जो डिजाइन है दो के बाद वाला, इस टाइप का जो डिजाइन है, पर एक और डिजाइन जो इसके लिए काम करेगा। उसके बाद ये जो है, इसके बाद वाला डिजाइन जो है आपको इसके लिए नहीं है, ये सब इसमें काम नहीं करेगा। इस डिजाइन को बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए इस पे जाएंगे और राइट क्लिक करेंगे, ठीक है। इसको बोलते हैं कलर प्लेटी, मतलब ये डिफरेंट टाइप का प्लेट्स बना होता है कलर का। आप ये 16 वाला है, 32 वाला भी सेलेक्ट कर सकते हैं, तो 32 आपको मतलब टोटल 32 ऑप्शन मिल जाएंगे कलर के। 64 वाले में जाएंगे तो और अलग अलग वेराइटीज़ मिलेंगे कलर के, उसी तरह 128 वाले में 128 वेराइटीज़, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग 8 वाला ही सेलेक्ट करते हैं, तो आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। एक आया, दो आया, तीन, चार, पाँच, छः, तो टोटल इस टाइप से हुआ। ये वाला बीच वाला बटन है, इसको सेव करते हैं, ठीक है। तो ये सेव कर दिए, और ये वाला कलर का इफेक्ट चलाना है तो हम लोग क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे। तो आपको देखिए यहाँ पे ये लाइन आ गया, वन आ गया, तो बस यही आगे रोटेट करते रहेगा। अब ये वाला जो डिजाइन यहाँ से चल रहा था, तो ये आपका ये वाला डिजाइन आ गया कलर का। के बाद अलग अलग कलर के लिए आ गया डिजाइन। उसके बाद ये वाला डिजाइन देख लेते हैं, एक बार हम पूरा इसको कलर चेंज कर देते हैं सिंगल कलर में। उसके बाद एक लाइन डाल लेते हैं, देख अब यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे जब इसको सेलेक्ट करेंगे तो वन आ जाएगा, वन आ गया। यहाँ पे लाइन डाल दिए, देखिए ये जो कलर था ये अलग अलग ओरिएंटेशन में, ये एंगल वाला डिजाइन मैंने सेलेक्ट किया था, तो ए डी डब्ल्यू, ए से इधर जाएगा, डी से अलग जाएगा, मतलब कीबोर्ड पे बटन प्रेस करके रखना है। उसके बाद नेक्स्ट डिजाइन में आते हैं, इसमें कुछ ऐसा बनेगा। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका कलर ही चेंज कर लेते हैं। अब देखिए ये क्या है, सांप वाला है, सांप वाला है मतलब ये यहाँ से स्टार्ट होगा। मान के चलिए मैंने क्या किया है, एस को प्रेस करके रखा है, तो यहाँ से स्टार्ट हुआ है, तो यहाँ से स्टार्ट होके बीच में ख़त्म होगा। ये गोल गोल घूमते घूमते भरते रहेगा, फिल होगा। अगर आप सिंगल कलर का सेलेक्ट करते हैं तो सिंगल कलर से फिल होगा। ऐसे मान के चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मैंने वाइट कलर सेलेक्ट किया, पे क्लिक किया, इसको डिलीट करना है। इसको डिलीट करने के लिए ये वाला बटन प्रेस करेंगे, एक एक ओके डिलीट होगा। तो मान के चलिए यहाँ पे रेड वाला सेलेक्ट किए, ये बीच वाला ओके है, ओके कर लिए। अब देखिए ये वाला डिजाइन रेड चलने लगा, ये फिल होके पूरा सेंटर में जाके ख़त्म हो जाएगा। अब मैं ये वाला बटन प्रेस कर रहा हूँ, ए वाला, तो ये बीच से निकलना चाहिए। देखिए आपका ये बीच से निकला और साइड से जाके ख़त्म होने लगेगा। फिर इसी तरह डब्लू वाला, तो इस तरह से आप बहुत सारा इफेक्ट बना सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हम इस पे एस, ये सांप वाला, पहले इसका कलर कर लेते हैं चेंज। तो इसको कलर कर लिए ऐसा, क्या यहाँ पे हम लोग ए पे प्रेस करते हैं, तो ए पे प्रेस करेंगे तो यहाँ व्हाइट कलर ही है, तो को पहले कलर चेंज करना पड़ेगा। हाँ तो अब रेड वाला जो है ऐसा कुछ दिखेगा।
देखिए इस पे मैंने क्लिक करके नहीं रखा था इसलिए नहीं चल रहा था। ये कुछ इस टाइप का देखिए, ये जो डिज़ाइन दिया हुआ है तो वही डिज़ाइन चल रहा है। ये मैंने डी को प्रेस करके रखा है, तो डी यहाँ से स्टार्ट हुआ था, तो डी के लिए आप मैनुअली भी कर सकते हैं कीबोर्ड से, लेकिन एक एक करके टाइम लगेगा। कीबोर्ड में दाबिएगा, प्रेस कीजिएगा, बस प्रेस करके रखिए, जहाँ तक आपको करना है वहाँ तक कीजिए। इस तरह से ये वाला डिज़ाइन बन जाएगा। फिर डब्लू वाला कीजिएगा तो डब्लू वाला डिज़ाइन बनेगा। देखिए ये यहाँ से स्टार्ट हुआ था, यहाँ से ऐसे ऐसे फर्क के राइट जाएगा, राइट फिल होते जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं हम किस पे, ये है आपका ए डी डब्ल्यू एस। तो मेरे पास जब आप मेरे सॉफ्टवेयर लीजिएगा तो मैं आपको कुछ और भी दे दूंगा। ऐसे मेरे पास कलर पेटी मतलब ढेर सारा मैंने बनाया हुआ है, अगर आप लोगों के पास है तो अच्छी बात है। तो यहाँ पे जाते हैं प्रोजेक्ट में, पिक्सल इफेक्ट, तो मैंने यहाँ ढेर सारा कोल फाइल बना करके रखा है। तो कोल फाइल जो आपको सूटेबल लगे, ऐसा डिज़ाइन चलाना चाहते हैं, लाइन चलाना है, क्या चलाना है, मल्टी रेनबो, ढेर सारा आपको मिल जाएगा। तो मैं आपको वो भी दे दूंगा सॉफ्टवेयर के साथ, ताकि आप कैसा भी कस्टमाइज डिज़ाइन बना सकते हैं कुछ भी। अब देखिए यहाँ पे मान के चलिए, हाँ ये वाला डिज़ाइन सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है इसको कर लेते हैं ओके। ये था मेरा ओपन बटन जहाँ से फाइल ओपन की है, ऐसे यहाँ से, तो यहाँ से ओपन करके यहाँ पे ऊपर वाला सेव होता है, नीचे कैंसिल कर लिए, ये बीच वाला को प्रेस किए, ये सेव हो गया। इसको पूरा ब्लैंक कर लेते हैं एक बार, न्यू पेज। तो और उसके बाद यहाँ पे देखिए अब लाइन नहीं आया, इसको सेलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे देखिए यहाँ स्टार्ट हो गया। अब चलिए ए पे प्रेस करते हैं, कैसा डिज़ाइन बनता है एक बार फिर से इसको। अच्छा यहाँ पे ये ब्लैक सेलेक्टेड है, इसको तो पहले हटाना पड़ेगा, ब्लैक से इसको कर देते हैं रेड। तो ए वाला डिज़ाइन सेलेक्ट किया मैंने, तो यहाँ मल्टी कलर आपको ए दिख रहा है, फिर ए के बगल में डी ये अंदर जा रहा है, फिर डब्लू, फिर एस। इस तरह से आप डिज़ाइन बना सकते हैं। अब मैं इसको चेंज कर देता हूँ, मुझे ये पसंद नहीं है, मतलब या मेरा ये डिज़ाइन बन चुका है, तो आपको चाहिए दूसरा डिज़ाइन, तो यहाँ पे जाइएगा, नीचे जो बन रहा है पैटर्न जो अच्छा लगे वो कर लीजिए। ऐसे मुझे ये अच्छा लगा, मान के चलिए कुछ भी ले लेते हैं, यही ले लेते हैं, ठीक है ये ले लिए, ये आ गया, बीच में प्रेस किए ओके। अब देखिए ये आपका कुछ इस टाइप का बनने लगा, ये ऐसा बनने लगा। और भी आप डिफरेंट कलर के कॉम्बिनेशन से डिफरेंट कलर का आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे फिर जो है हम जो है दूसरा एक बार कलर सेलेक्ट कर लेते हैं, तो यहाँ पे सिंगल वाला एक बार कलर सेलेक्ट करके देखते हैं कैसा बनता है, मान के चलिए ये, तो इसको कर लेते हैं ओके। आपका देखिए कैसा डिज़ाइन, पिंक 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 एंड वाइट के कॉम्बिनेशन से। उसके बाद और भी है डिज़ाइंस, ये भी वाला, तो भी वाला तो ऐसा हम लोग करते ही हैं, अप डाउन, बहुत सिंपल है, इफेक्ट बनाना है उसको, बस सेव करना है और वहाँ पे जाके एलईडी एडिट 2014 में चला देना है, तो आप ऐसे इफेक्ट बना सकते हैं। इसमें मैं फिर से राइट क्लिक करके एक दूसरा डिज़ाइन सेलेक्ट करके देखता हूँ कि इसका कैसा व्यू आ रहा है मल्टी कलर में। पर मल्टी कलर लाइन वाला करके देखते हैं, इसे यही ले लेते हैं, ये वाला थोड़ा अच्छा डिज़ाइन लगता है, तो कर लेते हैं ओके। अब देखिए ये इस टाइप का आपको कुछ व्यू मिलेगा, डी करेंगे अपोजिट, डब्लू अपर, एस, बहुत सिंपल है दोस्तों इसमें डिज़ाइन बनाना। उसके बाद आपको मान के चलिए एक बड़ा सा डिज़ाइन बनाना है, जैसे 100 पिक्सल के 100 लड़ी, ओके कर दिया मैंने कनेक्ट। इसको कर लेते हैं 100% पे, 75 में भी नहीं आ रहा है, थोड़ा सा 25 पे करते हैं,
25 तो 50, ये फुल हो गया। इसको बनाना है सीलिंग का इफेक्ट। चलिए यहाँ पे ओपन करते हैं, कलर पेटी सेलेक्ट करते हैं, मल्टी कलर वाला ही सेलेक्ट कर लेते हैं। कर लिया सेलेक्ट, ओके ठीक है, आपका ये आ गया। यहाँ पे इसको ऑन कर देते हैं, ये वन आ गया, ऑन हो गया। जाते हैं सबसे पहले ऊपर वाले डिजाइन में, ऊपर वाले डिजाइन में गए के बाद, यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद एक बार इसको सेलेक्ट करते हैं, फिर तो सेलेक्ट किया, ये तो आपका डिजाइन चलने लगा ठीक है। फिर एस डी डब्लू आ जाते हैं, फिर दूसरे डिजाइन पे, ये डिजाइन दूसरा तीसरा, इस टाइप से आप डिजाइन बना सकते हैं। उसके बाद और कौन सा डिजाइन था, ये डिजाइन भी बना सकते हैं। के बाद फिर आ जाते हैं इस पे, ये आप देख रहे हैं इस कोने से उस कोने, मान के चलिए आपको फिर दूसरा इफेक्ट बनाना है, तो इसको कोई भी कलर चेंज करके यहाँ पे पहले आपको बताइए कि ये वाला जो है कलर फिल करने वाला। के बाद आ जाते हैं ए पे, तो आपको कुछ इस टाइप का डिजाइन मिलेगा। इसका मतलब आप 100x100 का भी बनाइएगा तो भी डिजाइन बना सकते हैं, और इसको अपने अनुसार हम हमको दूसरा डिजाइन बनाना है कुछ, तो कलर प्लेटी सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे राइट क्लिक ओपन करते हैं यहाँ से। तो मान के चलिए सिर्फ ग्रीन वाला चलाना है, ग्रीन वाले के ओके आ जाते हैं हम, सिंगल कलर कर लेते हैं पहले इसको। हाँ देखिए ये ग्रीन वाला इफेक्ट बनेगा, ऐसे करके आप इफेक्ट बना सकते हैं। एक बार भी वाला भी चला लेते हैं को मल्टी कलर में करके ओपन, ढेर सारा ऑप्शन है, ढेर सारा, तो आप कुछ भी बना सकते हैं मतलब इस टाइप का इफेक्ट। अब आपका देखिए मल्टी कलर में आ गया, इस तरह से दोस्तों आप इफेक्ट बना सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और जिनको सॉफ्टवेयर लेना है वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करें, मैं इसके लिए कुछ चार्ज लूँगा, मैं आपको सॉफ्टवेयर दूंगा। और ये जो बता रहा हूँ कोल फाइल, ये भी आपको रेडीमेड मिल जाएगा, तो किसी भी टाइप का आपको अच्छा अच्छा इफेक्ट बन सकता है इससे ठीक है। और चलाना बहुत सिंपल है, उसके बाद भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं, बस इसको करना है सेव। और इसको मान के चलिए आपका ये सारा बन गया, तो इसको यहाँ से प्ले कर सकते हैं, जो जो इफेक्ट बनाए वो पूरा का पूरा प्ले कर सकते हैं, देख सकते हैं। मान के चलिए यहाँ से आपको कोई एक लाइन गायब करना है, तो यहाँ से आप डिलीट कर दीजिए ये 191 एक फ्रेम गायब, ऐसे ऐसे फ्रेम गायब होते रहेगा। तो आप इससे गेट सीलिंग और जो भी मतलब पिक्सल का आइटम बनाना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे मैं इस पर काम कर रहा हूँ कि आपको कोई भी गेट बनाए तो यहाँ पे आप कैसे इसमें व्यू देख सकते हैं कि मेरा गेट कैसा दिखेगा। पहले आप यहाँ चेक कर लेंगे, उसके बाद प्रैक्टिकल में जाके चेक करेंगे ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, वीडियो को पूरा पूरा देखने के लिए थैंक यू।